पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा के अनुसार अपने एक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रभारी के नाते जिम्मेवारी दी है और स्थानीय संगठन से बातचीत करके संगठनात्मक जो भी काम है हमें अपनी बूथ समिति का, सभी सेक्टरों का, मंडलों का वेरिफिकेशन करके और पूरी तैयारी के साथ हम लोग विधानसभा उपचुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर 10 की 10 सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे। सर क्या उम्मीद है कब तक? अब ये चुनाव आयोग को तय करना है, कार्यक्रम तो उसका, लेकिन हमारी ओर से संगठनात्मक तैयारी हम लोग कर रहे हैं और जैसे भी चुनाव आचार संहिता लगेगी या चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करेगा हम लोग अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरे करके जनता के बीच में जाएंगे। सर आज हाल ही में कोर्ट के आदेश पर यूपी के दो विधायकों के खिलाफ जो है वो वारंट जारी हुआ जिसमें सूर्यदेव पार्टी के भी एक विधायक शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस जो है वो हमलावर हो रही है, कह रही है कि कांग्रेस योगी सरकार जो ओपी राजभर को जो है बाहर निकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व वाली सरकार में कानून का राज है। किसी के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, जो दोषी हैं चाहे वो छोटे व्यक्ति हैं या बड़े व्यक्ति हैं सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सरकार की ओर से जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं, सरकार की तैयारी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता और सक्रियता के आधार पर आप देख रहे हैं वो जगह जगह जा रहे हैं और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है कि जानमाल की हानि ना हो। इसमें किसानों को भी नुकसान बताया? अब जो भी व्यवस्था है उसमें नुकसान हो। इसके अलावा क्योंकि कश्मीर के अंदर फिर से आतंकी हमले तेज हो गए हैं, ऐसे में जो एक बार फिर आज जो अमर अब्दुल्ला है उनकी तरफ से जो है ये बयान सामने आ रहा है कि आतंकी को वो निर्दोष होता है। अब ये इन लोगों का जिस प्रकार का एजेंडा रहा है, कांग्रेस पार्टी उनके समर्थकों का, ये लोग हमेशा देश के विरोध में काम करने वाले लोग आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित लोगों के साथ खड़े रहे, लेकिन सरकार हमारी संकल्पित है, हम सब लोग मिलकर पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है और पूरी ताकत के साथ मिलकर आतंकवाद के सामूल नष्ट करने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं। सूर्यप्रताप शाही के नाम को लेकर सियासत जो दाल वाला उनका बयान था उसको लेकर के राजनीति तेज है लखनऊ में जो है कांग्रेस ने पोस्टरवाद, मुझे उसकी जानकारी नहीं है किस प्रकार का बयान उनका है, मुझे ये उनका निजी विषय है, लेकिन हमारे लिए, देशवासियों के लिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को दुनिया स्वीकार कर रही है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प है कि ऐसा भारत दुनिया का नेतृत्व करे और हमारी परंपरा, हमारी विरासत और हमारी आस्था के प्रति लोग स्वीकार करके आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से आज आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि भारत के जीवन मूल्यों के प्रति लोगों का विश्वास दुनिया में बढ़ा है। सर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुहर्रम और खामर को लेकर गाइडलाइन जारी की है, इसको लेकर विपक्ष के नेता जो है सवाल उठा रहे हैं कि दोहराचारी सरकार ना हमारी है। हमारी सरकार जो भी तीज त्यौहार पर्व है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो, बगैर किसी विवाद के संपन्न हो, सब लोग अपनी आस्था के अनुसार और निर्धारित मानकों के व्यवस्था के अनुसार उन तीज त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाएं, इसका प्रयास सरकार का है और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता हमेशा सरकार के साथ खड़ी रही है। पिछले 7-8 वर्षों में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लगातार हमारे तीज त्योहार पर्व हम सब लोग मिलकर शांतिपूर्वक मना रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।